इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर पी एन जैन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन मुंबई, श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट गेंसविले वर्जीनिया यूएसए, श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावकी, मयंक सरावकी, हर्षिता सरावकी, फर्म सरावकी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावकी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान, फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट जयपुर। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावनायुक्त प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सम्मिश्रकर तीर्थराज की पावन धरा, गुणायतन परिसर जहाँ से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को आप सभी लोग प्रत्यक्षता रूप से यहाँ पर सुनेंगे, साथ ही देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए जो इस समय पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों का और आप सभी का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, हम इस सत्र को प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आप सबके लिए मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के पास भी मंगल आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री, नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधुओं, देश और दुनिया के अनेक उदार मना दानदातार प्रतिदिन गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं, क्योंकि गुणायतन में विश्व का एकमात्र जनालय का निर्माण हो रहा है पंचायतन शैली का, साथ ही साथ अनुभव केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है। इन सभी उपक्रमों से देश और दुनिया के अनेक उदारमना दानदाता जुड़ते हैं। आज जो लोग जुड़े हुए हैं हम उनके नामों की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं, अपेक्षा होगी आप जोरदार करतल ध्वनि से उनके पुण्य की अनुमोदना करेंगे, और अगर यहाँ पर आप उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर के मंगल आशीष ग्रहण करेंगे जिन्होंने स्वर्ण दान और निर्माण निधि से जुड़ने का सौभाग्य पाया है। आज गुणायतन से स्वर्ण दान के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती मुन्नी जैन, श्रीमती प्रीति जैन रायपुर से, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अगर उपस्थित हो तो मंगल आशीष ग्रहण कर लीजिएगा। सनमत बड़कुल, सुनीता बड़कुल, तारा देही दमोह से आप भी खड़े हो जाएं, और निर्माण निधि से आज जुड़ रहे हैं सौका सारिका, अतुल साह, अतुल प्रकाश साह, पंडरपुर शोलापुर से महाराष्ट्र से, पद्मा देवी, विमल कुमार ब्रिज, वदनाभर धार से, सुदर्शन जैन, राखी जैन गंगवाल हावड़ा से। तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी का सम्मान कीजिएगा। बंधु, आज गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, निर्माण निधि से और निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती संगीता जैन गुड़गांव हरियाणा से, जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। आपकी तालियां उनके पास तक टीवी चैनल के माध्यम से पहुंच रही हैं। साथ ही आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री रूमेश जी जैन, श्रीमती प्रिया जी जैन, लावण्या जैन, रन्या जैन भोपाल मध्य प्रदेश से। यह गुणायतन ट्रस्टी श्री दिनेश कुमार जी जैन के परिवार से हैं, तो एक बार यहां मंच पर आ जाएं अगर यहां पर उपस्थित हो तो। श्री रूमेश जी जैन, श्रीमती प्रिया जैन, लावण्या जैन, रन्या जैन भोपाल मध्य प्रदेश से अगर यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर पहुंचे आइएगा। जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम आमंत्रित करते हैं और आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ राहुल देव विदिशा से हैं और राजेंद्र जी विदिशा से हैं। गुणायतन के टेस्टी पधारेंगे और आज जो सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। साथ ही मैं यहाँ इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, चलेगा जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में, गुणायतन से आज निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं, पहले निर्माण मित्र थे अब निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सिद्धार्थ जैन, श्रीमती आयुषी जैन, श्रीमती किरण जैन, पुष्पेंद्र जैन, बेगमगंज रायसेन मध्य प्रदेश से।
अगर यहाँ उपस्थित हो तो कृपया पधारें, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। बंधु, पर्वराज पर्यूषण में यहाँ लोगों ने इतनी सतत साधनाएं की हैं, तपस्या की हैं, दान दिया है और आज यहाँ पर उपस्थित हैं। शिवरात्रि भी हैं, आज अंतिम दिन है, वो लोग जा रहे हैं तो यहाँ पहुंचे और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पंडित अनंत जी मैनपुरी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और एडवोकेट नेमीचंद जी जैन जयपुर ट्रस्टी गुणायतन, कृपया पधारें और आज जो निर्माण मित्र से निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करेंगे। पंडित अनंत जी मैनपुरी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और एडवोकेट नेमीचंद जी जैन जयपुर, कृपया पधारिएगा। बंधुओं, आज गुणायतन से जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं सूत्रधार के रूप में मैं उनके नाम की घोषणा यहां पर कर रहा हूं, चूंकि वो यहां उपस्थित नहीं है लेकिन उनकी फोटो स्क्रीन पर यहां पर चल रही, तो आप जोरदार करतल ध्वनि से उस परिवार का सम्मान करेंगे। निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अखिलेश जैन, जज साहब हैं पटना से, श्रीमती निशा जैन पटना बिहार, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा। बंधु, ये फोटो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ऑनलाइन सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं। साथ ही आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, ये भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, श्री मनोज जी पाटनी, सुपुत्र स्वर्गीय इंदर चंद जी, श्रीमती चंदा जी पाटनी, अंकुर प्रतिभा जी, चिराग जी, आयन पाटनी, बेंगलोर मुंबई से, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान कीजिएगा। ये परिवार भी स्क्रीन पर आप इनके लिए देख रहे होंगे और ये बहुत सौभाग्यशाली परिवार हैं जो गुणायतन से आज सूत्रधार के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। बंधु, श्रीमती राहुल जैन मधुबन ने 10 उपवास के संयम के व्रत लिए थे और इनका सम्मान सवही नहीं हो पाया था, इसलिए अभी अगर यहां उपस्थित हैं तो कृपया पधारें। मधुबन में ही यहां पर रहते हैं और उन्होंने 10 उपवास की साधना की है। श्रीमती राहुल जैन कहाँ है, श्रीमती जी बुला लीजिएगा, नहीं आई क्या, आ जाओ आप आ जाइए, आ जाइए पधारिए। राहुल आरती जैन मधुबन, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, शमेश शिखर की इसी पावन धरा पर ही रहते हैं, आइएगा शीघ्रता से पधारे और आपका सम्मान करने के लिए आज जिन्होंने 10 उपवास वाले साधकों की पालना का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, कृपया पधारें और 10 उपवास की साधना जिन्होंने की है राहुल आरती जैन मधुबन उनका सम्मान करेंगे। आप लोग जोरदार करता ध्वनि से प्रातःकाल आज लगभग 75 से ऊपर उपवास वालों का सम्मान प्रातःकाल संस्कार शिविर के विशेष पांडाल में किया गया था। आप एक बार और जोरदार करता ध्वनि से सभी का सम्मान कर दीजिएगा। बंधु, मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच हजारीबाग से आकाश जी सेठी IRS ज्वाइंट कमिश्नर हजारीबाग से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करते हैं सपरिवार। हाँ बिल्कुल, पूरे परिवार के साथ में यहां पर आ जाएं। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं NC जैन साहब दिल्ली से हमारे बीच हैं, गुणायतन के कार्याध्यक्ष, और सुभाष जी CEO गुणायतन, कृपया पधारिएगा, और आकाश जी सेठी IRS हजारीबाग से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें, मंच के ऊपर आ जाएं, आइएगा पधारिएगा। आपकी करतल ध्वनि और बंधु जोरदार करतल ध्वनि के साथ में प्रथम प्रश्न के लिए भी हम ऊपर से ही आ जाएं। चंद्रकला जी पाटनी ऊपर जो बैठे हुए हैं कि नीचे से आने में समय लगेगा, शीघ्रता से आ जाएं। कीर्ति जी दिल्ली साथ में आ जाएं, कीर्ति जी दिल्ली, चलेगा बंधु जोरदार करतल ध्वनि से। आज संस्कार शिविर के समापन पर लगभग शिविरार्थियों को आज जाना है और हमारी कोशिश होगी कि जिन लोगों के लिए जाना है आपका क्रम आज के प्रश्न में यहाँ पर आ सके, तो हमारी पूरी की पूरी कोशिश होगी। हम इस क्रम को प्रत्यक्षता रूप से जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उस क्रम को यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। अलका, अच्छा, श्रीमती कीर्ति जी दिल्ली से हैं, कीर्ति मुकेश जी मेट्रो दिल्ली से हैं और उन्होंने लगातार 10 उपवास किए, प्रतिदिन चौका लगाया और आज बड़े महाराज जी की पालना का सौभाग्य पाया, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। और हम चाहते हैं कि लगातार इतनी मेहनत उन्होंने की है, उपवास में भी प्रतिदिन चौका
लगातार चलता रहा है तो उनका सम्मान संगीता जी सेठी, पायल जी सेठी हजारीबाग पधारें शीघ्रता से और कीर्ति जी का सम्मान करेंगे। संगीता जी पायल जी आ जाएं, आप लोग करतल धोने के साथ में बंधु लगातार आहार दान दिया, प्रतिदिन चौका लगाया और 10 उपवास की साधना की और एक भी उनकी जाप सामायिक पाठ कुछ भी नहीं छूटा और आज सफल है उसका कि पूज्य वर के पावन आहार का सौभाग्य उनके लिए प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार करता धोनी से मैं प्रथम प्रश्न के लिए श्री आकाश जी सेठी, आकाश जी सेठी कहां पहुंच गए, हाँ प्रथम प्रश्न के लिए उन्हें ही दे दो, वहीं दे दो फास्ट शीघ्रता से और इसके बाद में तैयार रहेंगे एनसी जैन साहब दिल्ली। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग जैसे गवर्नमेंट सर्विस में है और हम लोगों का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हमेशा होता रहता है, तो इससे कभी कभी हमें ये भी लगता है कि हमारे बच्चों का पढ़ाई इफेक्ट हो रहा है तो हम उनको हॉस्टल भेज दें, फिर कभी ऐसा लगता है कि मेरी माता जो साथ में रहती है तो उनको भी धर्म प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता है तो उनको भी लगता है कि उनके साथ रहे या घर पे रहे, तो क्योंकि ऐसी जगह ट्रांसफ़र होता है जहाँ कभी मंदिर की व्यवस्था नहीं होती है, तो ये तो बहुत बड़ा असमंजस है कि हम अपने पोस्ट को ध्यान रखते हुए कैसे फैमिली को भी बैलेंस करें, ये बड़ा एक प्रश्न महाराष्ट्री आता है मन में। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल धोने से आकाश भाई का अभिनंदन करें, ये केवल एक अधिकारी नहीं एक अच्छा श्रावक भी है, इसके अंदर संस्कार है और ऐसे संस्कार निष्ठ अधिकारी जहाँ भी रहते हैं वे धर्म प्रभावना का कार्य करते हैं। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, अब जॉब है तो ट्रांसफ़र तो होगा ही, ये चीज़ें तो होती, इसे अपने जीवन का एक अंग मानना चाहिए। आप लोगों को इतनी सुविधा तो सरकार की तरफ से हो जाती है कि जहाँ चाहो वहाँ बच्चों का एडमिशन हो जाए, जब चाहो मिड सेशन में भी हो जाए, सुविधा है ना। मेरे ख्याल से बेसिक क्वालिफिकेशन के लिए आपको हॉस्टल भेजना ठीक नहीं है, बच्चों से अपनी निकटता होनी चाहिए और सब जगह का एजुकेशन ठीक है, बाहर भेजना तो आजकल फैशन सा बन गया है, वहीं रखो और भाव ऐसा भाव कि बच्चों को दादी दादा का प्यार, तुम्हारे घर दादा तो नहीं दादी है तो दादी का प्यार मिले, संस्कार मिले, क्योंकि आज भी हम लोगों को अपने दादा दादी के संस्कार प्रभावित करते हैं प्रेरित करते हैं। हाँ ऐसी जगह जहाँ मंदिर आदि सुलभ नहीं हो मजबूरी है, लेकिन जहाँ मंदिर सुलभ है वहाँ पूरा घर पूरा परिवार एक साथ रहे, ये प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री एन सी जैन साहब दिल्ली कार्याध्यक्ष गुणायतन और इसके बाद में तैयार रहेंगे अलका कंजोलिया इंदौर। द्वैमिन राज्यों के चरणों में मेरा समस्त जैन समाज दिल्ली का त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर अभी कुछ दिनों पहले तमिलनाडु जाना हुआ तो वहाँ पता लगा जाके कि आज के कोई 40-50-60 साल पहले वहाँ 1100 मंदिर थे तमिलनाडु में और अब घटके वो 178 मंदिर रह गए हैं और उसमें भी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा तो ASI के अंडर में है और कुछ ही मंदिर हैं जो समाज के अंदर वो है, उसमें भी 10 मंदिरों का तो जीर्णोद्धार हो चुका है और हम 2 मंदिरों को जीर्णोद्धार की रूपरेखा बना के आए थे। उसके आने के बाद ये पता लगा मुनिभर कि वहाँ जो जैन धर्म लुप्त होता जा रहा है, लुप्त हो गया, उसका कारण ये बताया गया। अभी 2 दिन पहले ही पता लगा कि वहाँ एक तो खाली पुजारी ही अभिषेक करता, श्रावण लोग अभिषेक नहीं करते हैं और दूसरा कि ज़्यादातर प्रतिमाओं में कोई दोष है, तो महाराज श्री उन मंदिरों का पुनर्निर्माण करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए प्रतिमाओं में दोष है ये तो हमारे मन का भ्रम है, हमें तमिलनाडु के इतिहास को पढ़ना चाहिए। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये जैन संस्कृति के बहुत बड़े केंद्र थे, हजारों की तादाद में मुनियों का वहाँ विचरण होता था और वहाँ हमारे बड़े बड़े धर्मायतन थे। दुर्भाग्य से बहुत तरह की राजनीतिक परिस्थितियों और धर्म विद्वेष ने हमारा वहाँ ध्वंस किया।
तमिलनाडु में जैन और तमिलनाडु जैनों से समृद्ध था। तोलकप्पियम आदि ग्रंथ तमिल साहित्य में लिखे गए। समीक्षकों का कहना है कि प्राचीन साहित्य से यदि जैन साहित्य निकाल दिया जाए तो तमिल में कोई साहित्य ही नहीं बचेगा। लेकिन राजा महेंद्र कर्मा के काल में 7,000 मुनि राजों को एक साथ सूली पर चढ़ाया गया। ये हमारी धर्म पर, हमारी संस्कृति पर एक बहुत बड़ा जुल्म था। हजारों लाखों श्रावकों को जैन धर्म से विमुख कर दिया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया। आप कल्पना कर सकते हैं जिस काल में 7,000 मुनियों को यातना पूर्वक सूली पर चढ़ाया गया होगा उस समय क्या होगा। तो उस समय थोड़े से जो जैन थे वो इधर उधर छिपे हुए थे और उनमें से एक जैन श्रावक थे। आपने बहुत ही गंभीर बात उठाई और एक प्रेरक संदर्भ में आपको सुना रहा हूँ। एक जैन श्रावक थे, वे कुएं तालाब से पानी छान के पी रहे थे। पानी छानना, दिन में खाना, ये राज अपराध घोषित कर दिया गया था। और ये समझ गए कि ये जैन हैं तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। संयोग से उस दिन राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, खुशी में उन्हें छोड़ दिया। उन्हें जब रिहा किया गया तो उनने मन में सोचा कि ऐसे कब तक हम छिप छिप के धर्म करेंगे। वे वहाँ से श्रवण बेलगोल गए। श्रवण बेलगोल में जैन राजा थे, वहाँ जैनियों को पूरा संरक्षण था। वहाँ उन्होंने अध्ययन किया, मुनि बने और मुनि बनकर वो वापस तमिलनाडु आए इस प्रण के साथ कि जब तक मैं 100 लोगों को जैन नहीं बनाऊंगा तब तक आहार ग्रहण नहीं करूंगा। उनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा तप है। उनके प्रताप से जब तक 99 रहते हुए आहार नहीं लेते, 100वें व्यक्ति को जैन बनाकर आहार लेते। और आज पूरे तमिलनाडु में जितने भी जैन हैं वे नैनार जाति के जैन कहलाते हैं और सारे नैनार उन्हीं वीरसेन महाराज की देन। तो सब का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। फिर संपर्क संसर्ग के अभाव में बहुत सारे लोगों ने अपना भी धर्म परिवर्तन कर दिया, जातियां लुप्त हो गई। जब बाहुल्य था तो मंदिर खूब बने, फले फूले। देख रेख के अभाव में आज मुझे आपसे मालूम पड़ा कि आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद भी 1100 मंदिर थे, आज 178 बचे। इसका मतलब बाकी मंदिरों की प्रतिमाएं या तो इधर उधर कर दी गई, तस्करों के हाथ चल गई, या फिर लोगों ने कब्जा करके उन्हें रूपांतरित कर दिया। क्योंकि मंदिर तो थे, कोई पूजा करने वाला नहीं, देख रेख करने वाला नहीं, तो ये समस्याएँ होगी। तो ये काल के दुष्प्रभाव से ऐसा हुआ। आप दूर मत जाइए, इधर बंगाल में आप देखिएगा, पुरुलिया, बांकुड़ा, रघुनाथपुर, ये पूरा बेल्ट है। यहाँ आज भी 9वीं-10वीं शताब्दी की अनेक प्रतिमाएं मिलती है, अत्यंत मनोज्ञ। ये पूरा इलाका जैनों का था, आज भी सराग जैन यहाँ बहुसंख्या में उपलब्ध है। तो जब अनुयायी चले जाएंगे तो मंदिर का क्या होगा? इससे मंदिर हमारे ध्वस्त हुए, काल के गर्भ में गए, भूकंप आदि के निमित्त से भी लोगों के द्वारा ध्वस्त किए गए, मंदिरों को बदल दिया गया, हमारे भगवानों को भी बदल दिया गया। तो अब जहाँ तक सवाल है कि हम कहते हैं कि इनकी वास्तु ठीक नहीं है, तो ये सोच करके उनको उपेक्षित करना ठीक नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि उन मंदिरों को संरक्षित करना चाहिए ताकि हमारा इतिहास सुरक्षित हो। अभी जब संलेखना संथारा के प्रकरण में काम कर रहे थे तो तमिलनाडु से हमें ऐसे अनेक शिलालेख मिले, अभिलेखी साक्ष्य मिले, जहां मुनियों और गृहस्थों के द्वारा संलेखनाएं की गई। ये बहुत बड़े बड़े एविडेंस है। तो ये चीजें थी, वो जैन संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था।
आज दुर्भाग्य है कि सब नष्ट हो गया, लेकिन हमें इन्हें बचाना चाहिए ताकि हमारा इतिहास सुरक्षित हो। और अगर वास्तु का कोई है और कोई वैधानिक दिक्कत नहीं है तो हर मंदिर में एक एक नए जिन बिंब सांगो पांग भी विराजमान किए जा सकते हैं, पुराने को संरक्षित रखते। गुरु जी, एक छोटा सा प्रश्न है। हमारे मॉडल टाउन जैन मंदिर में आजकल 6 बेदी 5 बेदी ऊपर के मंदिर में, 1 बेदी नीचे है, तो उसमें सब में हमने चांदी के चंदवे लगाए हैं ऊपर बेदी के आगे, तो चंदवे लगाने का क्या, हमने लगा तो दिए समाज ने अपने अपने, लेकिन इसका क्या उपयोग है, क्या लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, लगा तो दिए हमने। देखिए, चंदवा इसलिए लगाते हैं, कोई ऐसा अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन इसलिए लगाते हैं कि जहाँ भगवान को विराजमान करते हैं वहाँ कोई जीव जंतु न गिर पड़े, चिपकली आदि ना आए, इसलिए लगाया जाता है, लगाना बुरा नहीं। नमस्ते। अलका कंजोलिया, इंदौर। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी, चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आप लोगों के चरण छूने वाले तो बहुत भक्त हैं, लेकिन आप लोगों का आचरण छूने वाले बहुत कम हैं। तो महाराज जी, यह क्या मन की जड़ता है या फिर कर्मों की जड़ता? अगर यह मन की जड़ता है तो फिर क्या साधु संतों के प्रवचन सुनना और धर्म करना क्या आजकल सब लोगों के लिए एक दिखावा मात्र ही रह गया है क्या? कृपया समाधान। देखिए, चरण छुए आचरण छुए और अच्छा है, लेकिन जो चरण छू कर के आचरण नहीं छू सकता, नहीं छू पाता, उसके लिए भी हमें चरण छूने के साथ अगर कदाचित कोई आचरण नहीं छू पाता तो उसके तरफ भी हमें नकारात्मक दृष्टि नहीं रखना, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि जैसे कई गंभीर रूप से बीमार, जिनकी बीमारी बड़ी क्रॉनिक होती है, वो जल्दी ठीक नहीं होती। बीमारी है, वर्षों से बीमारी है, वर्षों से दवाई खा रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा है, तो दवाई खाना बंद कर देते हो क्या? बोलो। अरे, कमी दवाई की नहीं है, प्रभाव बीमारी का है। सत्संग में आने के बाद भी नहीं बदल रहे क्योंकि उसका मोहकर्म जटिल है। जो व्यक्ति सत्संग में आने के बाद नहीं बदल पा रहा है, वो सत्संग से दूर हो जाएगा तो पता नहीं और कितना भ्रष्ट होगा। दवाई खाने के बाद बीमारी नहीं संभल पा रही है तो दवाई छोड़ने के बाद तो और कुछ होगा, समझ गए? तो चलो, मैं इसे भी एक उपलब्धि के रूप में गिनता हूं कि कदाचित बीमारी ठीक न हो कोई दिक्कत नहीं, बीमारी बढ़नी नहीं चाहिए। तुम संतों से प्रेरणा लेकर आगे ना बढ़ पाओ तब तक कोई दिक्कत नहीं, पीछे मत आना, यह भी एक बड़ी उपलब्धि, समझ गए? चलिए। नमस्ते। बंधुओं, में इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं हरी जी। हमारे बीच प्रभाकांत जी जैन और रुचि जी जैन गुड़गांव से हैं, तो आपके जोरदार करतल ध्वनि के बीच मैंने इस मंच पर आमंत्रित करता हूं प्रभाकांत जी, रुचि जी जैन गुड़गांव, कृपया शीघ्रता से पधारिएगा मंच पर और जल्दी से आ जाएं। हाँ, यहीं से आ जाओ, उस तरफ से निकल के आ जाएंगे जब तक सवाल लेकर आ रहा हूं। और तब तक प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं लब्धी जी सेठी, ऊपर ही बैठी है, माइक दे दें, लब्धी जी सेठी हजारीबाग। बंधुओं, ये छोटी सी बेटी आपके सामने जो दिख रही है, इन्होंने रत्नत्रय के 3 उपवास की साधने के बाद जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। कल रत्नत्रय वालों की पालना है और 3 उपवास की साधना यहाँ पर की है, तो एक बार और जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठा करके, पूछ श्री के परिवार से संबंध रखती है, ग्रस्त परिवार से, हजारीबाग से, तो एक बार जोरदार करतल सम्मान करें। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने आप को बेटर मानने से मतलब कैसे कंसिडर करें कि हम बेटर नहीं है, हमें और बेटर होना है? बहुत अच्छा सवाल। हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, इन्हें बेटर शब्द का प्रयोग किया, मैं बेहतर कर रहा हूँ, कैसे कंसिडर करें कि हमने अपने आप को बेहतर किया है और कुछ और करना है? देखो, इसके लिए सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है, समझ गया? सेल्फ एनालिसिस के कई तरीके हैं, कागज पेन लेकर के भी किया जा सकता है,
या आंख बंद करके भी किया जा सकता है। मैं दोनों उपाय बताता हूं। अपने पास एक कागज पेन एक डायरी बनाओ, उस डायरी में अपनी जितने भी कमजोरियां उनको लिखो, एक के बाद एक, एक के बाद जिन कमजोरियों को हम मिटाना चाहते हैं उनको लिखो और नियमित उसके विषय में देखते रहो कि ये मेरी कमजोरी घटी है या बढ़ी है। अगर वो घट रही है तो हमारा इम्प्रूवमेंट है, और नहीं घट रही है उल्टी बढ़ रही है तो हम नीचे आ रहे हैं। इसी तरह हम जिन खूबियों को अपने अंदर प्रकट करना चाहते उनको भी लिखो और उनके बारे में विचार करो, इसमें कुछ वृद्धि हो रही है या जहाँ के तहाँ है या नीचे आ रही है। यदि बढ़ रही है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं है तो हम पीछे हैं। इस तरीके से यदि बार बार विचार किया जाए तो परिवर्तन आ सकता है। वो लिखने के लिए टेबल बना लो तो देखा जा सकता है। दूसरा है आंखें बंद करके रोज एक बार बैठो, ये बड़ा सरल तरीका है। शाम रात सोने के पहले अगर भगवान के पास जाके करो तो अति उत्तम, भगवान के पास नहीं जा सको तो जहाँ वहाँ सुबह से शाम तक के सारे विचारों को रिकॉल करके देखो और उन्हें रिकॉल करके उनकी एक समीक्षा करो, उनका एनालिसिस करो कि मैंने जो आज विचार किया, मैंने जो व्यवहार किया, मेरी जो प्रवृत्तियाँ हुई वो सही थी या गलत। अगर ऐसा कहा इसकी जगह ऐसा कहा होता तो ज़्यादा अच्छा था, ये मैंने गलत कहा, अब भविष्य में मुझे ऐसा नहीं कहना। इस तरह की बातें मन में बार बार दोहराओ, जो अच्छाई हैं उनके लिए सोचो अच्छा है, अब जब कभी मौका आएगा इससे और अच्छा करेंगे, और जो बुरा किया उसके लिए मन ही मन एक संकल्प लो कि अब जब कभी ऐसी सिचुएशन होगी तो हम ऐसा नहीं करेंगे। ये एक अपना अंतरावलोकन करे तो हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकता है। लेकिन आपाधापी के जीवन में लोग इस तरह से उलझे रहते हैं कि इतना वक्त ही नहीं, जो चल रहा है सो चल रहा है। अपने आप को जब तक हम मांझेंगे नहीं तब तक चमकेंगे नहीं। तो अपने आप को चमकाना चाहते हो तो मांझना होगा, समझ गए? तो ये मांझने का एक तरीका है, इसे अपनाएं तो बहुत बड़ा बदलाव घटित किया जा सकता है। आमंत्रित कर रहा हूँ प्रभाकांत जी, रुचि जी जैन गुड़गांव से हमारे बीच हैं, और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अरुण जी दिल्ली, अपनी पूरी टीम साथियों के साथ में, चक्के जी मुकेश जी सभी आ जाएं साथ में, आइएगा शीघ्रता से पधारे। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ बंधुओं इस परिवार का सम्मान कीजिएगा। और आगे हमारे प्रभाकांत के विषय में मैं कहूँगा, ये हमारे समाज की बड़ी होनहार प्रतिभा है और बहुत सारे प्रकल्पों में इन्होंने काम किया है। आज ही मैंने इन्हें कुछ और जिम्मेदारी संभालने की प्रेरणा दी है और मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्दी प्रभाकांत एक नए रूप में यहाँ सामने प्रकट होंगे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन। बंधुश्री के साथ हम यहाँ पर जो लगातार 32 उपवास की साधना कर रहे हैं और आज उनका आज 30वां उपवास है उनका, पारना परसों होगी कि एक दिन बाद, एक कम कर ली। अच्छा, श्री कैलाश जी सेठी अजमेर राजस्थान से हमारे बीच हैं, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के बीच सम्मान करें, आप पहुंचे। और आज एक और एक ऐसा मॉडल सम्मान के स्वरूप में उनके लिए प्रदान किया जा रहा है, पहली बार वो डिस्प्ले में यहां पर होगा। मैं सुभाष जी गुणायतन के सीओ उन्हें आमंत्रित करता हूं, साथ में चंद्रकला जी पाटनी को आमंत्रित करता हूं कि वे उस सम्मान को दें। और महाराज श्री जो आज पहली बार यहां पर हो रहा है, बहुत सारे जब हम रोज बोलते हैं
कि पंचायतन शैली का विश्व का पहले जिनालय का निर्माण हो रहा है और उस जिनालय की ये प्रतिकृति है, तो लोग पूछते हैं कि इसकी शिल्प संरचना क्या है, प्राचीनता क्या है, विशेषता क्या है। तो मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि आज जो पहली बार डिस्प्ले हो रहा है उसकी थोड़ी सी विशेषता बतलाएं और हमारे तपस्वियों का सम्मान हो इसी के साथ। देखिए ये गुणायतन की अनुकृति आप सब देख रहे हैं, इसे हमारे जबलपुर के राय सेठ जी चंद्र कुमार और चंद्रशेखर जी इंजीनियर के मार्गदर्शन में तैयार करके भेजा गया है। एक ऐसी अनुकृति जिसे एक बार में लोग पूरे गुणायतन को देख सके। और ये जो अनुकृति आई, बात आई तो कहा गया इसको तो दो प्रति आई है, तो जिन्होंने 30 उपवास किए 32 उनको दे देना ही सबसे उत्तम है। ये जो पंचायतन शैली के मंदिर की बात करते हैं, अब चूंकि ये अनुकृति मेरे हाथ में है इसलिए मैं इसके विषय में आज आप सबको बताना चाहूँगा। ये पंचायतन शैली क्या होती, 5 आयतन जिस एक मंदिर में हो उसको बोलते हैं पंचायतन। पंचायतन के अभी रुकिए यहीं रुकिए पंचायतन का मतलब होता है जहाँ मध्य में एक जिनालय और चारों कोनों में 4 जिनालय, समझ गए। तो ये मध्य के एक जिनालय और चारों कोनों के 4 जिनालयों से युक्त ये गुणायतन का मंदिर है। चारों कोनों में 4 शिखर है, दिख रहे हैं, और बीच में एक मुख्य शिखर है। इसके अलावा इसमें कुल शिखरों को 24 शिखर बीच में, समझ गए, 24 शिखरों का मंदिर, समझ गए। ये पंचायतन शैली का अपने आप में एक अलग शिल्प है, इसका अपना स्थापत्य है। आप लोगों तो अब मंदिर ही सामने देख चुके, पर मंदिर में खड़े होकर के बताना संभव नहीं है, इसलिए हमने ये उपाय किया। आप देख रहे हैं इसके भूतल में भी मूल में एक वेदी है जिसमें चतुर्मुख भगवान विराजमान होंगे और चारों कोनों में 4 वेदियाँ बनकर तैयार है, आप लोग देख ही रहे हैं। ऊपर के तल में मध्य में एक वेदी जिसमें चारों मुख और 4 भगवान होंगे और चारों दिशाओं में 4 जिनाले हैं जिनमें 4 भगवान होंगे। ये गुणायतन के मंदिर का ही रूप है और ये बहुत अच्छी बात है कि आज इसे कैलाश जी को दिया जा रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ अब कैलाश जी को दें तो मैं ही अपने हाथ से दे दूँ। क्या बात है, जोरदार कतलनी के साथ महाराज जी भी हाथ लगाएंगे। हाँ चलो ले सुभाष जी हाथ लगा लो, आप भी लगा लो सुभाष जी, पहुँच जाओ। हाँ। चलेगा। और इधर एक उपवास साधक वर्ग को महाराज जी के हाथों से मिला है, तो मैं चाहूंगा हमारे दूसरे उपवास साधक पीयूष जी जैन, हाँ, जो जयपुर से हैं, आप सबको मालूम है बंधु एक युवा ऐसा युवा जो लगातार उपवास की साधना चल रही है और इनके भी आज 31वां उपवास है और ये लगातार इतने उपवासों की साधना के बीच भी त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था को पूरे समय देखते रहे, सुचारू रूप से चलाते रहे और महाराज श्री के हाथों से वो भी ग्रहण कर रहे हैं। एक बार जोरदार जोरदार कतल ध्वनि के साथ में सम्मान कीजिएगा। और अब मैं प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूं रुचि प्रभाकांति जैन गुड़गांव, माइक दे देंगे। और इसके बाद में तैयार रहेंगे मीनू राहुल देव वासल विदिशा। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामि महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हम ग्रस्त जीवन में गुरुदेव कई बार सुख दुख आते हैं जीवन में और उन पलों में बस मुझे लगता है मैं गुरु चरणों में चली जाऊं, गुरु चरणों में चली जाऊं गुरुदेव, तो गुरुदेव उस समय आना तो पॉसिबल नहीं होता लेकिन मन बड़ा विचलित होता कि कब गुरु दर्शन कर लूं, कब पहुंच जाऊं, तो गुरुदेव वैसे में क्या कर रहे हैं हम? अब ये तो पहले सोचना था, गृहस्थी में फंस गए तो इतनी जल्दी तो गुरुजन आ नहीं सकते, है ना। इसलिए भावों से अपना जुड़ाव बना के रखो, भावना और श्रद्धा को प्रगाढ़ रखो लेकिन उसके भाव में बहो मत, उतना ही करो जो शक्य है। आशीर्वाद। मीनू राहुल देव वासल विदिशा ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे एडवोकेट नेमीचंद जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री।
महाराज श्री, पहले तो आपके आशीर्वाद से हिंडई ग्राम में संत निवास का निर्माण पूर्ण हुआ चंद्रशेखर जी के निर्देशन में। अब हम लोगों की पूरे परिवार की अपेक्षा है कि आपके सानिध्य में सिद्ध चक्र विधान हिंडई जी में हो। अब महाराज जी, मेरा प्रश्न, इंसान गरीबी की गरिमा, सादगी का सौंदर्य, संघर्ष का हर्ष, समता का स्वाद और आस्था का आनंद, ये सब हमारे आचरण से पतझड़ की पत्तों की भांति झड़ गए हैं। हृदय से मानवीय प्रेम का संवेदनशील स्वर, मस्तिष्क से नैतिक चिंतन और सम्यक आचरण का संकल्प कहीं खो गया है। महाराज श्री इन्हें खोजने का मार्ग बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज। एक जहां खोए हैं वहीं खोजना है। ये सब क्यों खोए? क्योंकि हमारी मनोवृत्ति बदल गई। अगर आज भी हम अपनी मनोवृत्ति को बदल दें तो ये हमारे सामने सब है। सबका मूल है सोच। हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। जब तक हम अपने सोच को व्यवस्थित नहीं करते, इन सब चीज़ों की समस्याएं हमारे सामने रहे। एडवोकेट नेमीचंद जी जैन जयपुर, पीछे दे माइक पीछे दे दीजिएगा। और इसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर रविंद्र जैन लिथौरा। सभी को मेरा बार बार प्रणाम। मैं महाराष्ट्र एक बात की मन में उत्कंठा रखता हूं कि धर्म का प्रभाव तो बड़ा है, परंतु समाज का प्रभाव धीरे धीरे घटता जा रहा है। आप उसकी नैया के कर्णधार हैं। यदि समाज को वह रास्ता दिखाएं जो पूर्व में यह समाज रखता था, हमारे समाज को महाजन कहा जाता था और समाज में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति इस समाज के लोग होते थे। वह स्वरूप क्यों खोता जा रहा है, जबकि गुरु तो आज हमारे सामने बहुत है, उनका मार्गदर्शन भी है। मैं चाहता हूं कि आप इस संबंध में समाज को सही रास्ता दिखाएं। देखिए, बहुत ही गंभीर बात आपने उठाई है। एक खड़े रहे डॉक्टर वकील साहब, ये एक कड़वी सच्चाई है कि धर्म का प्रभाव तो बढ़ा है, समाज का प्रभाव घटा है। हमारी जो सामाजिक प्रतिष्ठा और शाख थी वो दिनों दिन छीन हुई। उसके पीछे के कारणों को हमें समझना होगा। इसका सबसे पहला कारण तो है हमारी निष्ठा की कमी। पहले हमारे समाज के लोग अपने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं, संस्कारों और सरोकारों के प्रति निष्ठावान रहते थे। किसी भी परिस्थिति में अपनी चर्या में कोई शिथिलता स्वीकार नहीं करते थे। मुझे एक बार एक पंचायत के प्रमुख ने बताया कि हम अपना पिछला रिकॉर्ड देख रहे थे तो एक व्यक्ति ने बाजार में कचौड़ी खा ली थी, इसलिए पंचायत बैठे थे। नागपुर पंचायत के प्रमुख ने मुझे बताया था काफ़ी पहले। सवाल कचौड़ी खाने का नहीं, सवाल अशुद्ध कचौड़ी खाने का था। तो उस समय हमारी प्रतिबद्धता कितनी प्रबल थी, ये इसका एक छोटा सा प्रमाण। आज निष्ठा कमजोर है। दूसरा कारण, हमारा सामाजिक संगठन कमजोर होता जा रहा है। पहले समाज में एक व्यक्ति जो बोल देता था सब लोग उसको मानते थे। हर समाज में एक व्यक्ति समाज का गॉड फादर होता था, जो पूरी समाज का मुखिया माना जाता था और समाज को अपने परिवार की तरह देखता था और लोग उससे एहसानमंद रहते थे और उसकी बात समाज के लिए पत्थर की लकीर हो जाती थी। आज हर कोई अहमेंद्र बन गए हैं। अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं।
संगठन की कमजोरी, समाज में नेतृत्व की कमी और फिर आज की बढ़ती हुई उपभोक्तावादी मनोवृत्ति, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसने हमारी पूरी की पूरी सामाजिक संरचना को छिन्न भिन्न कर दिया। आपने ये बहुत ही बड़ी बात कही कि साधु संतों का समागम तो बहुत है, उनकी प्रभावना भी बढ़ रही है, साधु संतों के इर्द गिर्द लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, फिर ये प्रभाव क्यों घट रहा है? तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होता कि मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत आयत लोग अब साधु संतों का भी उपयोग करने लगे। अब वो निष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा प्रमुख हो गई और निजी प्रतिष्ठा को पूर्ण करने के लिए लोग समाज के व्यापक हितों की भी उपेक्षा करने लगे। बड़ी मुश्किल होती है कहीं भी जब इस तरह की बात आती है। एक दिन गुरुदेव ने बड़ी गहरी बात कही थी, इस समाज के भरोसे मत रहना, ये पांव तो पूछती है, गंदोदक लेती है, पर बात नहीं मानती। किसी संदर्भ में गुरुदेव ने यह वाक्य कहा था कि इस समाज के भरोसे मत रहना, पांव पूछती है, गंदोदक लेती है, मगर बात नहीं मानती। जब तक बात नहीं मानेंगे तो बात कैसे बनेगी? हम लोग तो हमेशा अच्छी प्रेरणा देते हैं, लेकिन लोग वो प्रेरणा ग्रहण करें तब तो। और एक कमी जो हुई है वह है स्वाध्याय की। आज हमारे समाज बंधु स्वाध्याय निष्ठ कम है, वे केवल बाहरी बातों से प्रभावित होकर धर्म और समाज के कार्यों में आगे जुटते हैं। उनका उद्देश्य भी बड़ा उथला दिखाई पड़ता है। यदि अंतरंग से जुड़कर अपने जीवन के रूपांतरण का संकल्प लेकर वो आगे बढ़े तो ये सारी दुविधाएं बहुत आसानी से दूर की जा सकती। डॉक्टर रविंद्र जैन लिधौरा, और इसके बाद में तैयार रहेंगे साधना विजय जैन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। मुनिराज द्वय के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज लिधौरा की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरे प्रश्न का बहुत कुछ समाधान तो पिछले प्रश्न के उसमें हो गया। मेरा प्रश्न था, आप प्रश्न बाद में पूछना, पहले एक बार सब लोग ऊपर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ये हमारे ब्रह्मचारी अशोक भैया के भाई हैं, दोनों भाई, और पूरे 10 दिन तक बल्कि 12 दिन तक यहाँ इन्होंने धर्म का आराधन किया, आहार दान का भी लाभ लिया है। शायद आज ही प्रस्थान है, आज तो शायद ट्रेन कैंसिल हुई, कोई आज ही प्रस्थान है क्या? कल प्रस्थान है। मैं चाहूँगा एक बार इनका अभिनंदन होना चाहिए, और अभिनंदन के लिए मैं चाहूँगा विजय जी एडवोकेट और अनिल भाई आ जाओ, और इनका ऐसे व्यक्तित्व का अभिनंदन जरूर होना चाहिए जिस परिवार में त्याग संयम की परंपरा हो। ये लोग भी सब व्रती हैं, और व्रती के घर में तो व्रती होते ही हैं, ये होना चाहिए। पेशे से डॉक्टर होने के साथ साथ ये व्रती जीवन जी रहे हैं। आगे आ जाओ। ओ, अब सवाल कर सकते हैं। हाँ, गुरुवर, मेरा प्रश्न ये था कि ख्याल और इस्तेमाल दो शब्द होते हैं, ख्याल और इस्तेमाल दो शब्द होते हैं व्यवहार जीवन में, और घर परिवार समाज के बीच में कौन ख्याल करने वाला है, कौन इस्तेमाल हमारा कर रहा है, इसको कैसे मालूम करें, और इस स्थिति में हमारा क्या रुच बनता है कि उसमें हम क्या करें जी? वैसे देखिए, कौन हमारा ख्याल कर रहा है या ख्याल रख रहा है, और कौन हमारा इस्तेमाल कर रहा है, मैं कहूँगा इस चक्कर में पड़ो ही मत। अपने आप को इस तरह तैयार करो कि कभी तुम्हें ऐसा लगे नहीं कि कोई मेरा ख्याल करे
और अपने आप को इस तरह बनाओ कि कोई तुम्हारा इस्तेमाल ना कर सके। अपने आप को पर मुखापेक्षिता से बचाओ। जब व्यक्ति पर मुखापेक्षी हो जाता है, पर निर्भरता बढ़ती है, तो उसके मन में यही आता है वो हमारा ख्याल करेगा, वो हमारा ख्याल करेगा, वो हमारा ख्याल करे। संसार में कोई किसी का ख्याल करने वाला नहीं है, और ख्याल करो तो पता नहीं और कौन कौन से ख्याल आ जाए। इसलिए अपने आप को उधर से दूर करो। जहाँ तक इस्तेमाल करने की बात है, कोई हमारा इस्तेमाल क्यों करता है? जब हम जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं, या हमारे मन में लालच और भय जैसी बात होती है, या हमारे खुद के आत्मविश्वास में कमी होती है। हम अपने आप को मजबूत बनाएं तो हमारा कोई इस्तेमाल कैसे करेगा? हाँ, इसके बावजूद कोई इस्तेमाल कर ले तो ये सोचो, चलो मैं किसी के काम तो आया। कोई तुम्हारा इस्तेमाल करे तब तक हर्ज नहीं जब तक कि उससे तुम्हारा नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखें। साधना विजय जी जैन एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अमित जी सेठी, गुड़गांव। गुरुदेव नमोस्तु, इच्छामि महाराज जी। गुरुदेव, परेशानियां परेशान कर सकती है लेकिन पराजित नहीं, ऐसा मुंशी प्रेमचंद ने अपनी एक साहित्यिक कृति में लिखा है। जबकि उनका संपूर्ण जीवन आर्थिक, पारिवारिक और शारीरिक संघर्षों से भरा रहा, तो गुरुजी इस कथन को कैसे समझा जाए? प्रेमचंद जी का अंत क्या हुआ? वो पराजित की तरह हुए कि विजेता की तरह गए? हुए तो विजेता की तरह ही। तो यही तो उसका प्रमाण है। परेशानियों के बाद भी अगर व्यक्ति अपने मन में मजबूती बनाए रखे तो परेशानियां हारती व्यक्ति नहीं, समझ गए? इसलिए इसे अपने जीवन का अंग बना के चलो। नमस्ते गुरु। अमित जी सेठी, गुड़गांव सिकता से। बंधु, आपके लिए बतला दें, ये गुड़गांव से हैं अमित जी सेठी, और लगभग 70-80-100 लोगों को यहाँ पर लेकर के आए हैं। एक दिन बाद ही परसों से इसी स्थान पर सिद्धों की आराधना प्रारंभ होगी, सिद्ध चक्र मंडल विधान के माध्यम से। तो एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से अमित भाई का परवराज पर्यूषण व्रत व्यतीत हुआ, और एक दिन बाद ही इसी स्थान पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान इन परिवार, इनके इष्ट मित्र साथियों की ओर से होगा। आगे तैयार रहेंगे गगन जैन साठौरा। महाराज जी, हम सिद्धों की कर्म भूमि पर गुणायतन में मुनि समकक्ष समेत शिखर जैसा पावन क्षेत्र में सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, और हमने करीबन 135 लोग हैं जो इस विधान में आएंगे विभिन्न विभिन्न समय में। तो इस विधान का, और उसके बाद में पर्वतराज वंदना भी करेंगे, तो इससे, और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी 25वीं एनिवर्सरी है, तो हमने सोचा कि अब बाहर घूमें और बाहर घूमने जाएं और लोगों को खिलाए पिलाए, तो उससे बेटर ये है कि हम यहाँ पे सिद्धों की नगरी में अपना कार्यक्रम करें। तो महाराज जी, हमें इसे क्या करना चाहिए और लोगों को इससे क्या आदर्श है और यहाँ इसका क्या महत्व है? समय पहले तो मैं कहूँगा, एक बार अमित भाई का जोरदार आपने अभी इनके विचार सुने। इनकी 25वीं एनिवर्सरी है और ये एक MNC में बहुत बड़े पोस्ट पर है। ये चाहते तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति यदि संस्कारवान हो तो हाई प्रोफाइल होने के बाद भी उसकी धर्म की प्रोफाइल मजबूत बनी रहे। जो लोग ये कहते हैं कि क्या करें, हमें करना पड़ता है, मुझे ऐसे लोगों की बातें समझ में नहीं आती। मुझे यही दिखता है कि ये सब बहाना है। बहुत प्रसन्नता है, आपने अपनी 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ पे सिद्ध चक्र विधान के संरचना करके एक बड़ा प्रशस्त कर्म किया। व्यक्ति को कोई भी मांगलिक प्रसंग आए तो पुण्यवर्धक क्रियाएं करना चाहिए, पाप पोषक नहीं। तुम घूमने जाओगे, मौज मस्ती करोगे, तुम करोगे, जितने लोगों को लेके जाओगे वे करेंगे सारा पाप, और पाप के कर्ता में निमित्त कौन? तुम्हारे सिर पर क्या आएगा? पाप। पैसे की बर्बादी के साथ पाप आएगा और मिलेगी आलोचना, इसने ये कम कर दिया, उसने वो कम कर दिया, उसकी पार्टी में ये विशेषता थी, इसकी पार्टी में ये कमी रह गई, यही आएगा ना। बहुत अच्छी सोच है,
इतने लोगों को यहाँ शिखर जी ले आए, सिद्ध चक्र विधान 8 दिन तक तुम्हारे साथ करेंगे, वो पुण्य बंध करेंगे, तो जितने लोग यहाँ पुण्य अर्जित करेंगे उसका 1/6 हिस्सा तुम्हारे खाते में जाएगा। यदि कोई पार्टी शार्टी में जाते तो उसका 1/6 पाप तुम्हारे सिर पर आता, और यहाँ वो 1-2 दिन की पार्टी होती, ये 10 दिन का कार्यक्रम है, तो 10 दिन का कितना प्रबल लाभ है। देखो इससे समाज में सुयश भी फैलता है, लोगों को आप चाहते कि हम दिखाएं, चलो दिख भी गया भाई एक आदमी ने कितना खर्चा किया, उससे उसके स्टेटस का अंदाज, अगर जो लोग स्टेटस दिखाने के लिए सब करते उनकी बात मैं कर रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने कहा आप महाराज, उसके बेटे की शादी की बात थी, वो थोड़ा ऐसी करना चाह रहा था हाई प्रोफाइल शादी, तो बोला महाराज जी अब थोड़ा समाज में दिखे भी तो हमारे पास इतना पैसा है, तो हमने कहा दिखाना ही है तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, इतना बढ़िया दिखेगा कि पूरे देश का मीडिया कवर करे। बोले महाराज क्या है? हम बोले अपने बेटे की शादी बाहर जो तुम करने जा रहे हो वहाँ करने की जगह एक किसी छोटे से जगह में करो और अपनी बेटी के साथ 100 गरीब बेटियों का पानी ग्रहण करा दो, बराबर हो जाएगा, सबको 1-1 लाख का दहेज दे दो, काम बराबर हो जाएगा, करना चाहे तो कर सकते हैं। तो वो बात जल्दी से लोगों को समझ में नहीं आती, तो हमें हमेशा रचनात्मक दिशा में अपने समय शक्ति और संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। गगन जैन साढ़ोरा इसके बाद तैयार रहेंगे, डॉक्टर के एम चंद्रकला जी गंगवाल पुणे। गुरुदेव पहली बार शिविर में आने का सौभाग्य मिला और मैं ये कहूँगा मैं यहाँ से सब कुछ नहीं बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ, सब कुछ लेके जा रहा हूँ। गुरुदेव मैंने यहाँ 2 चीज़ें नई देखी, एक शास्त्र नाम की जो आज आपने शांति धारा करवाई थी उससे बहुत ही विशुद्धि हुई और ऐसा लग रहा था कि आज भगवान के समूह शरण से कोई दिव्य ध्वनि खिर रही हो, जब दोनों मुनिराज मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। और दूसरा पर्यूषण पर्व में जो विधान 10 दिन की हम लोगों ने आराधना की, इससे बहुत ही कम सवाल करो। हाँ तो गुरुदेव यही मेरा प्रश्न है कि इन विधान और इस शांति धारा की लोगों को महिमा बताइए जिससे इसको अधिक से अधिक। हाँ आ जाइए आप लोग महिमा बताइए, हम तो रोज डॉक्टर के एम गंगवाल पुणे अहिंसा और साकार के लिए समर्पित व्यक्तित्व है और श्रावक संस्कार से लगातार 10 दिनों तक इन्होंने भी संयम तप आराधना की है। गुरुदेव चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव ये 10 दिन अद्भुत रहे मेरे जीवन के लिए, इतने 10 दिन हॉस्पिटल छोड़कर कंसल्टिंग छोड़कर और सोशल एक्टिविटी छोड़कर आपके चरणों में रहे, एक अद्भुत अनुभूति हुई। और गुरुदेव ये नहीं कहना चाहता हूँ मगर मैं सोच रहा था आने के पहले कि मैं ये 10 दिन यहाँ रह पाऊँगा या नहीं, बहुत आनंद आया। गुरुवर मेरा सवाल छोटा है, यह सवाल है सूक्ष्म हिंसा और स्थूल हिंसा के बारे में। हम देखते हैं सूक्ष्म हिंसा जैन धर्म का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है, स्थूल हिंसा तो सब जगह है। मैं ये देख रहा था गुरुवर कि आज ये पर्युषण के पर्व में, दशलक्षण के पर्व में सारे मंदिरों पे, सारे भारत भर के मंदिरों पे बहुत बड़ी विद्युत रोशनाई की जाती है और ये विद्युत रोशनाई में कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ करके हम रोशनाई करें तो बहुत अच्छा रहेगा गुरुवर। देखिए ये सब हमारे विवेक का परिचय है, हमें साज सज्जा तो करनी चाहिए लेकिन अहिंसा का ख्याल रखकर, और जब हम इस तरीके से साज सज्जा करेंगे तभी अच्छा होगा। डॉक्टर साहब का नंबर बहुत लेट आया लेकिन आपने जो प्रस्ताव रखा बहुत ही अनुकरणीय है। यही पर आशीर्वाद बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर्य विद्यासागर। नमस्ते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर पी एन जैन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन मुंबई, श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट गेंसविले वर्जीनिया USA, श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावकी, मयंक सरावकी, हर्षिता सरावकी, फर्म सरावकी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावकी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान, फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट जयपुर।